अ वेरी स्पेशल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। तो आज मैं आप लोगों के लिए यूपी बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए यानी 2021 के लिए क्लास टेंथ के लिए इंग्लिश प्रोस के चैप्टर थर्ड का पार्ट टू लेकर आया हूँ। तो चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है द गंगा, जिसे हम हिंदी में बोलेंगे गंगा। और इसके राइटर कौन है? इसके राइटर है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। तो इससे पहले मैंने इस चैप्टर का पार्ट वन ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, जहाँ पे मैंने आपको इस चैप्टर के टोटल दो पैराग्राफ के हिंदी ट्रांसलेशन बताए हुए हैं। तो अगर अभी तक आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो की लिंक मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहाँ से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। और इससे पहले आप लोगों को इंग्लिश का चैप्टर फर्स्ट और इंग्लिश का चैप्टर सेकेंड ये ऑलरेडी कंप्लीट करवा दिया गया है। अगर अभी तक आप लोगों ने इंग्लिश प्रोस का चैप्टर फर्स्ट या चैप्टर सेकेंड नहीं पढ़ा है तो आप चैनल पे जाकर पढ़ सकते हैं। मैंने अलग से इंग्लिश की प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है, आप प्लेलिस्ट जाके चैनल पे चेक कर लीजिएगा, आपको वहाँ पे सभी चैप्टर्स लाइन से मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर के थर्ड पैराग्राफ, फोर्थ पैराग्राफ और फिफ्थ पैराग्राफ इनका कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन बताने वाला हूं। फिर आज की इस वीडियो में इस चैप्टर का आपका हिंदी ट्रांसलेशन कंप्लीटली फिनिश हो जाएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे चैनल पर क्लास टेंथ के सभी सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन बिल्कुल फ्री में करवाई जाती है। आपको कुछ नहीं करना, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और अपनी स्टडी स्टार्ट कर लेनी है। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इस चैप्टर का थर्ड पैराग्राफ यहाँ पे क्या दिया गया है। तो थर्ड पैराग्राफ आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ये थर्ड पैराग्राफ आपका यहाँ से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द गंगा स्पेशली। अब यहाँ पे स्पेशली लिखा हुआ है, इसकी हिंदी मीनिंग क्या होती है? विशेष रूप से। क्या होती है इसकी हिंदी मीनिंग? विशेष रूप से। आपको ध्यान रखना है, हिंदी मीनिंग आप की इंपॉर्टेंट होती है। तो स्पेशली मीन्स क्या होता है? विशेष रूप से। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द गंगा स्पेशली इज द रिवर ऑफ इंडिया बिलव्ड। अब यहाँ पे बिलव्ड लिखा हुआ है, बिलव्ड की हिंदी मीनिंग क्या होती है? प्रिय। क्या होती है? प्रिय होती है। तो यहाँ पे बिलव्ड ऑफ हर पीपल राउंड विच आर इंटरट्विंड। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इंटरट्विंड लिखा हुआ है। तो इसकी हिंदी मीनिंग क्या होगी? इसकी हिंदी मीनिंग होगी गुथी हुई। क्या होगी इसकी हिंदी मीनिंग? इंटरट्विंड मीन्स होता है गुथी हुई, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट मीनिंग है। फिर इसके बाद लिखा हुआ है हर रेशियल। रेशियल मीन्स क्या होता है? आर ए सी आई ए एल। तो रेशियल मीन्स होता है जातीय। क्या होता है? जातीय होता है। इसकी हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगी रेशियल की? जातीय। फिर इसके बाद यहाँ पे लिखा है मेमोरीज। तो मेमोरीज मीन्स क्या होती हैं? यादें। क्या होता है मेमोरीज की हिंदी मीनिंग? यादें। फिर इसके बाद हर होप्स। होप्स मीन्स क्या होता है? आशाएं। ठीक है, फिर इसके बाद एंड फियर्स। तो देखिए फियर मीन्स क्या होता है? तो फियर मीन्स होता है डर। क्या होता है? डर, या फिर से भय भी बोल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे फियर्स हर सॉन्ग्स ऑफ ट्राइम्प। अब ट्राइम्प मीन्स क्या होता है? विजय। क्या होता है? विजय। फिर इसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है? हर विक्ट्रीज एंड हर डिफीट्स। तो देखिए डिफीट मतलब क्या होता है? पराजय होता है। क्या होता है? पराजय होता है। तो चलिए हम यहाँ पे द गंगा से लेकर डिफीट्स तक यहाँ तक कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखा है द गंगा स्पेशली इज द रिवर ऑफ इंडिया बिलव्ड ऑफ हर पीपल राउंड विच आर इंटरट्विंड हर रेशियल मेमोरीज हर होप्स एंड फियर्स हर सॉन्ग्स ऑफ ट्राइम्फ हर विक्ट्रीज एंड हर डिफीट्स। तो यहाँ पे नेहरू जी क्या कह रहे हैं? पंडित नेहरू जी कह रहे हैं कि गंगा विशेष रूप से भारत की नदी है, भारतवासियों की प्रिय रही है। यहाँ पे लिखा है ना द गंगा स्पेशली इज द रिवर ऑफ इंडिया बिलव्ड ऑफ हर पीपल। तो यहाँ पे नेहरू जी कह रहे हैं कि गंगा विशेष रूप से भारत की नदी है, भारतवासियों की प्रिय रही है।
जिससे भारत की जातीय यादें, उसकी आशाएं और भय, उसकी विजय के गीत, उसकी विजय और पराजय जुड़ी हुई है। ठीक है, क्या जुड़ी हुई है? पराजय जुड़ी हुई है, यही यहाँ पे लिखा हुआ है। तो द गंगा से लेकर डिफीट तक यही आपका हिंदी ट्रांसलेशन हो जाएगा। एक बार फिर से रिपीट करके बता देता हूँ, नेहरू जी यहाँ पे कह रहे हैं कि गंगा विशेष रूप से भारत की नदी है, भारतवासियों की प्रिय रही है, जिससे भारत की जातीय यादें, उसकी आशाएं और भय, उसकी विजय के गीत, उसकी विजय और पराजय जुड़ी हुई है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे लिखा है ना कि हर सॉन्ग्स ऑफ ट्राइम्फ, हर विक्ट्रीज एंड हर डिफीट्स। तो ये इस लाइन का कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। आगे लिखा है, सी हैज बीन अ सिंबल ऑफ इंडियाज एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन। तो देखिए यहाँ पे सिंबल लिखा हुआ है, सिंबल की हिंदी मीनिंग प्रतीक होता है। क्या होता है? प्रतीक होता है, ध्यान रखिएगा। सिंबल मीन्स क्या होता है? सिंबल मीन्स होता है प्रतीक, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसकी हिंदी मीनिंग हो जाएगी। फिर यहाँ पे लिखा है ऑफ इंडियाज एज लॉन्ग, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? एज लॉन्ग लिखा हुआ है। तो एज लॉन्ग, इसकी हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगी? दीर्घकालीन। क्या हो जाएगी? दीर्घकालीन, ये आपकी हो जाएगी। ठीक है, मैं आपको चैप्टर काफ़ी डिटेल में पढ़ाता हूँ ताकि आपको क्वेश्चन आंसर के समय कोई दिक्कत ना हो। मैं बाकी लोगों की तरह मजाक नहीं करता, आप लोगों ने बहुत से लोगों से पढ़ा होगा, लेकिन मैं ऐसा काम नहीं करता। मैं सारी चीज़ें आपको डिटेल में पढ़ाता हूँ, चाहे वीडियो कितनी भी लंबी क्यों ना बने, लेकिन आपको समझना ज़रूरी है, आपको समझ में आना बहुत ही ज़रूरी है। मैंने अभी तक आपको हमारे चैनल पर जितने चैप्टर्स इंग्लिश के पढ़ाए गए हैं, चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकेंड आपको मैम ने पढ़ाया है, एक एक चीजें आपको डिटेल में बताई गई हैं, एक एक पैसेज आपको कराया गया है, कुछ छोड़ा नहीं गया है। ठीक है, तो यहां पे देखिए एज लॉन्ग, इसकी हिंदी मीनिंग दीर्घकालीन होती है। फिर उसके बाद यहां पे लिखा है कल्चर, तो कल्चर मीन्स क्या होता है? तो कल्चर मीन्स आपका हो जाएगा संस्कृति। क्या हो जाएगा? संस्कृति होता है, कल्चर की हिंदी मीनिंग संस्कृति। एंड सिविलाइजेशन, तो सिविलाइजेशन मीन्स क्या होता है? सिविलाइजेशन मीन्स होता है सभ्यता। क्या होता है? सभ्यता होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद लिखा है एवर चेंजिंग, एवर फ्लोइंग एंड येट एवर द सेम गंगा। तो चलिए हम यहाँ से देखते हैं, सी हैज से लेकर के गंगा तक, यहाँ तक कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा है सी हैज बीन अ सिंबल ऑफ इंडियाज एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन एवर फ्लोइंग एंड येट एवर द सेम गंगा। तो देखेंगे यहाँ से इसका हिंदी ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे पंडित नेहरू जी कह रहे हैं कि यह भारत की दीर्घकालीन संस्कृति और सभ्यता की प्रतीक है, यानी जो गंगा है यह भारत की दीर्घकालीन संस्कृति और सभ्यता की प्रतीक है, निरंतर बदलती हुई, निरंतर बढ़ती हुई और फिर भी वैसे ही गंगा है, यानी इसमें कोई बदलाव नहीं आया है, यही यहाँ पे पंडित नेहरू जी कह रहे हैं। फिर इसके बाद आगे यहाँ पे क्या लिखा है, आगे यहाँ पे लिखा ये कि यहाँ पे सी रिमाइंड्स। अब रिमाइंड्स मीन्स क्या होता है? याद दिलाना। ठीक है, क्या होता है? याद दिलाना होता है। तो ये रिमाइंड्स की हिंदी मीनिंग हो जाएगी। तो यहाँ पे लिखा है सी रिमाइंड्स मी ऑफ द स्नो कवर्ड पीक्स। अब देखिए पीक्स मीन्स क्या होता है? पीक्स मीन्स होता है चोटी। क्या होता है? चोटी होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे लिखा है सी रिमाइंड्स मी ऑफ द स्नो कवर्ड पीक्स एंड द डीप वैलीज। वैलीज मतलब क्या हो जाएंगी? घाटियाँ। ऑफ द हिमालयाज विच आई हैव लव्ड सो मच एंड ऑफ द रिच एंड वास्ट। अब देखिए यहाँ पे वी ए एस टी लिखा है। क्या लिखा है? वी ए एस टी। तो देखिए वास्ट मीन्स क्या होता है? वास्ट मीन्स होता है विशाल। क्या होता है? विशाल होता है, ये इसकी हिंदी मीनिंग होती है, लिख लीजिएगा। प्लेन्स, अब पी एल ए आई एन एस लिखा हुआ है,
मैदान होता है इसकी हिंदी मीनिंग, क्या होता है मैदान, इसकी हिंदी मीनिंग होती है, ध्यान रखिएगा। तो प्लेन्स बिलो वेयर माई लाइफ एंड वर्क हैव बीन कास्ट, क्या लिखा हुआ है, कास्ट लिखा हुआ है। तो चलिए हम यहां से देखते हैं, सी रिमाइंड से, सी रिमाइंड्स मी ऑफ द स्नो कवर्ड पीक्स एंड द डीप वैलीज ऑफ द हिमालयाज विच आई हैव लव्ड सो मच एंड ऑफ द रिच एंड वास्ट प्लेन्स बिलो वेयर माई लाइफ एंड वर्क हैव बीन कास्ट। तो चलिए इसका कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन हम लोग देख लेते हैं, इसका हिंदी ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे नेहरू जी क्या कह रहे हैं, नेहरू जी कह रहे हैं कि वह मुझे याद दिलाती है, यानी जो गंगा है वह मुझे याद दिलाती है हिमालय की उन गहरी घाटियों और बर्फ से ढकी हुई चोटियों की, जिन्हें मैंने बहुत प्यार किया है, और समृद्ध तथा विशाल निचले मैदानों की, जहाँ मेरा जीवन और कार्य ढले हैं। ये कौन कह रहा है, नेहरू जी कह रहे हैं। तो एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ, सी से लेकर कास्ट तक। तो देखिए यहाँ पे नेहरू जी क्या कह रहे हैं, नेहरू जी कह रहे हैं कि वह मुझे याद दिलाती है, कौन, गंगा। नेहरू जी कह रहे हैं कि गंगा मुझे याद दिलाती है कि हिमालय, गंगा मुझे याद दिलाती है हिमालय की उन गहरी घाटियों और बर्फ से ढकी हुई चोटियों की, जिन्हें मैंने बहुत प्यार किया है, और समृद्ध तथा विशाल निचले मैदानों की, जहां मेरा जीवन और कार्य ढले हैं। ये यहां पे पंडित नेहरू जी कह रहे हैं। तो देखिए जो आपका यहां पे थर्ड पैराग्राफ था, इसका हिंदी ट्रांसलेशन हो गया है कंप्लीट। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया होगा तो आप उसे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। अब चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं, जो आपका नेक्स्ट पैराग्राफ है, फोर्थ पैराग्राफ। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे लिखा क्या है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, स्माइलिंग। देखिए स्माइलिंग मीन्स क्या होता है, मुस्कुराती हुई, ठीक है, स्माइलिंग एंड डांसिंग इन द मॉर्निंग सनलाइट एंड डार्क एंड ग्लूमी। अब यहाँ पे ग्लूमी लिखा हुआ है, ग्लूमी की हिंदी मीनिंग क्या होती है। तो देखिए ग्लूमी की हिंदी मीनिंग भी आपको पता होना बहुत जरूरी है। तो ग्लूमी मीन्स होता है उदास, क्या होता है, उदास होता है। इसको लिख लीजिएगा, जो आपका यहाँ पे जी एल डबल ओ एम वाई लिखा है, ग्लूमी, ग्लूमी मीन्स क्या होता है, उदास होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ग्लूमी एंड फुल ऑफ मिस्ट्री, मिस्ट्री मीन्स क्या होता है, रहस्यमयी, या फिर आप इसे रहस्य बोल सकते हैं, क्या होता है, रहस्य, मिस्ट्री मीन्स क्या होता है, रहस्य होता है। तो मिस्ट्री, एज द इवनिंग शेडोज फॉल अनैरो स्लो एंड ग्रेसफुल। अब ग्रेसफुल मीन्स क्या होता है, ग्रेसफुल मीन्स होता है सुंदर, क्या होता है, सुंदर होता है, ध्यान रखिएगा। स्ट्रीम मतलब धारा इन द विंटर एंड वास्ट रोरिंग। देखिए वास्ट मतलब क्या होता है, अभी ऊपर ही मैंने आपको बताया, वास्ट मीन्स होता है विशाल, और रोरिंग मीन्स क्या होता है, गर्जन होता है, क्या होता है, जो आपका यहाँ पे लिखा है आर ओ ए आर आई एन जी, रोरिंग मीन्स क्या होता है, गर्जन होता है। तो यही यहाँ पे लिखा है, वास्ट रोरिंग थिंग ड्यूरिंग द मॉनसून। तो देखिए मॉनसून, आप इसे मॉनसून भी बोल सकते हैं, या फिर आप इसे बरसात, मॉनसून की हिंदी मीनिंग क्या होती है, बरसात होती है, ठीक है, जो बरसात का मौसम होता है उसे हम इंग्लिश में मॉनसून बोलते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है, ब्रॉड बोसम्ड, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, क्या लिखा है, ब्रॉड बोसम्ड लिखा हुआ है। तो इसकी हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगी, तो देखिए इसकी हिंदी मीनिंग हो जाएगी विशाल वक्ष स्थल, क्या हो जाएगा, विशाल, ठीक है। ब्रॉड मतलब क्या होता है, ब्रॉड मतलब आप चौड़ा बोल सकते हैं या फिर विशाल बोल सकते हैं। तो यहाँ पे ब्रॉड लिखा हुआ है, बोसम्ड लिखा हुआ है, तो ब्रॉड बोसम्ड मीन्स क्या होता है, विशाल वक्ष स्थल, क्या होता है, विशाल वक्ष स्थल, या फिर आप इसे चौड़ी छाती वाला भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑलमोस्ट एज द सी एंड विथ समथिंग ऑफ द सीज पावर
टू डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय मतलब क्या होता है, नष्ट करना, बर्बाद करना, ये आप इसे बोल सकते हैं, या फिर आप विनाशक भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसे, हम यहाँ पे विनाशक भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, डिस्ट्रॉय। द गंगा हैज़ बीन टू मी अ सिंबल, सिंबल मीन्स प्रतीक एंड मेमोरी मतलब याद, ऑफ द पास्ट ऑफ इंडिया रनिंग इन टू द प्रेजेंट एंड फ्लोइंग फ्लोइंग ऑन टू द ग्रेट ओशियन ऑफ द फ्यूचर। तो चलिए इस कंप्लीट पैराग्राफ का हम हिंदी ट्रांसलेशन देखेंगे, स्माइलिंग से लेके फ्यूचर तक। तो देखिए यहाँ पे पंडित नेहरू जी क्या कह रहे हैं कि सूर्य के प्रातःकालीन प्रकाश में मुस्कुराती और नाचती हुई और संध्या काल के आने पर अंधकारमय और रहस्य से भरी हुई, ये किसके बारे में कह रहे हैं, ये गंगा के बारे में कह रहे हैं पंडित नेहरू जी। ध्यान रखिएगा यहाँ पे स्माइलिंग एंड डांसिंग लिखा हुआ है ना, तो पंडित नेहरू जी कह रहे हैं कि सूर्य के प्रातःकालीन प्रकाश में मुस्कुराती और नाचती हुई और संध्या काल के आने पर अंधकारमय और रहस्य से भरी हुई, यानी फुल ऑफ मिस्ट्री यानी रहस्य से भरी हुई, शीतकाल में संकुचित, क्या कह रहे हैं, शीतकाल में संकुचित मंद और शोभायुक्त जलधारा और मानसून के दौरान, देखिए ड्यूरिंग द मानसून यानी मानसून के दौरान यानी बरसात के दौरान एक विशाल गरजती हुई लगभग सागर की तरह विशाल वक्ष स्थल वाली, देखिए यहाँ पे लिखा है ना ब्रॉड बुसम्ड लिखा है ना यहाँ पे, तो मैंने आपको क्या बताया, ब्रॉड बुसम्ड मीन्स होता है विशाल वक्ष स्थल। तो यही यहाँ पे पंडित नेहरू जी क्या कह रहे हैं, पंडित नेहरू जी कह रहे हैं कि बरसात के दौरान एक विशाल गरजती हुई सागर की तरह विशाल वक्ष स्थल वाली, वक्ष स्थल वाली और सागर की विनाशक शक्ति रखने वाली मेरे लिए गंगा भारत के अतीत की प्रतीक है और स्मृति रही है। ठीक है, क्या है, भारत के अतीत की प्रतीक और स्मृति रही है। यहाँ पे पंडित नेहरू जी कह रहे हैं, फिर इसके आगे कह रहे हैं कि जो वर्तमान से होकर भविष्य के विशाल सागर में प्रवेश कर जाती है। देखिए यहाँ पे लिखा है ना रनिंग इन टू द प्रेजेंट एंड फ्लोइंग ऑन द ग्रेट ओशियन ऑफ द फ्यूचर। तो यहाँ पे पंडित नेहरू जी लास्ट में कह रहे हैं जो वर्तमान से होकर भविष्य के विशाल सागर में प्रवेश कर जाती है। ये नेहरू जी किसके लिए कह रहे हैं, गंगा के लिए कह रहे हैं, गंगा नदी के लिए कह रहे हैं, ध्यान रखिएगा। तो एक बार फिर से रिपीट करके मैं आपको बता देता हूँ, स्माइलिंग से ले करके फ्यूचर तक। तो देखिए यहाँ पे पंडित नेहरू जी कह रहे हैं कि सूर्य के प्रातःकालीन प्रकाश में मुस्कुराती और नाचती हुई और सांध्यकाल के आने पर अंधकारमय और रहस्य से भरी हुई, शीतकाल में संकुचित मंद और शोभायुक्त जलधारा और मानसून के दौरान यानी बरसात के दौरान एक विशाल गरजती हुई लगभग सागर की तरह विशाल वक्ष स्थल वाली और सागर की विनाशक शक्ति रखने वाली मेरे लिए गंगा भारत के अतीत की प्रतीक और स्मृति रही है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे लिखा है ना, द गंगा हैज़ बीन टू मी अ सिंबल एंड मेमोरी ऑफ द पास्ट ऑफ इंडिया। तो यही यहाँ पे कह रहे हैं पंडित नेहरू जी। फिर लास्ट में यहाँ पे लिखा हुआ है लास्ट लाइन, रनिंग इन टू द प्रेजेंट एंड फ्लोइंग ऑन द ग्रेट ओशियन ऑफ द फ्यूचर। तो लास्ट में यहाँ पे नेहरू जी कह रहे हैं गंगा के लिए जो वर्तमान से होकर भविष्य के विशाल सागर में प्रवेश कर जाती है। तो यहाँ पे जो आपका पैराग्राफ 4 था ये भी आपका कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको इस पैराग्राफ में कोई बात नहीं समझ में आई हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब चलिए इस चैप्टर का लास्ट पैराग्राफ हम यहाँ पे देखते हैं, पैराग्राफ 5 जो कि थोड़ा आपका यहाँ पे बड़ा है। तो देखिए यहाँ पे स्टार्ट होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है एंड दो आई हैव डिस्कार्डेड। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डिस्कार्डेड लिखा हुआ है। डिस्कार्डेड की हिंदी मीनिंग क्या होती है, त्याग देना। क्या होती है, त्याग देना होता है, या फिर आप इसे क्या बोल सकते हैं, त्याग देना या फिर त्याग दिया,
ऐसे भी आप इसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पे डिस्कार्डेड की हिंदी मीनिंग हो जाएगी। तो यहाँ पे लिखा है एंड दो आई हैव डिस्कार्डेड मच ऑफ पास्ट ट्रेडिशन एंड कस्टम एंड क्या लिखा हुआ है कस्टम यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कस्टम एंड एंड एंक्शस लिखा हुआ है अब यहाँ पे एंक्शस। तो देखिए एंक्शस की हिंदी मीनिंग क्या होती है, एंक्शस की हिंदी मीनिंग होती है चिंतित। क्या होती है चिंतित, या फिर आप इसे आतुर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं आतुर। तो देखिए एंक्शस की हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगी चिंतित या आतुर। फिर इसके बाद आगे लिखा है दैट इंडिया शुड रीड RID लिखा हुआ है। तो रीड की हिंदी मीनिंग क्या होती है छोड़ना। क्या होती है छोड़ना होती है, ये भी ध्यान रखिएगा RID रीड मीन्स क्या होता है छोड़ना। फिर इसके बाद हर सेल्फ ऑफ ऑल शेकल्स यहाँ पे शेकल्स लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है शेकल्स लिखा हुआ है, तो इसकी हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगी शेकल्स की हिंदी मीनिंग हो जाएगी जंजीरे। क्या जंजीरे, या फिर आप इसे क्या बोल सकते हैं बंधन। क्या बोल सकते हैं बंधन। तो देखिए यहाँ पे शेकल्स लिखा हुआ है, शेकल्स की हिंदी मीनिंग जंजीरे या बंधन। फिर उसके बाद दैट बाइंड यहाँ पे क्या लिखा हुआ है दैट बाइंड, बाइंड मीन्स क्या होता है बांधना होता है। क्या होता है बांधना होता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। एंड कॉन्स्ट्रेन, अब यहाँ पे कॉन्स्ट्रेन लिखा हुआ है, तो कॉन्स्ट्रेन की हिंदी मीनिंग क्या होती है कॉन्स्ट्रेन की हिंदी मीनिंग होती है विवश करना। क्या होती है विवश करना, या फिर मजबूर करना, या फिर आप कैद करना भी इसे बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं कैद करना। तो कॉन्स्ट्रेन ये इसकी हिंदी मीनिंग हो जाएगी। फिर उसके बाद हर एंड डिवाइड हर पीपल, क्या लिखा हुआ है डिवाइड हर पीपल एंड सप्रेस। अब यहाँ पे सप्रेस लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे आपका लिखा हुआ है सप्रेस। अब सप्रेस मीन्स क्या होता है दबाना होता है। क्या होता है इसकी हिंदी मीनिंग होती है SUPPRESS इसको हम पढ़ते हैं सप्रेस। सप्रेस मीन्स होता है दबाना। VAST वास्ट, वास्ट मतलब विशाल होता है। फिर उसके बाद नंबर्स ऑफ देम एंड प्रिवेंट, प्रिवेंट मतलब रोकना द फ्री डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी एंड द स्प्रिट। स्प्रिट मतलब क्या होता है आत्मा। क्या होता है स्प्रिट मीन्स होता है आत्मा, ये भी ध्यान रखिएगा। तो हम यहाँ से देखेंगे एंड से लेकर के स्प्रिट तक इसका कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा है एंड दो, तो इसकी हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगी और यद्यपि। तो यहाँ पे पंडित नेहरू जी आगे क्या कह रहे हैं, नेहरू जी आगे कह रहे हैं और यद्यपि मैंने काफ़ी प्राचीन परंपराओं और रीति रिवाजों के अधिकांश भागों को छोड़ दिया है। क्या कह रहे हैं छोड़ दिया है और मैं उत्सुक हूँ यानी मैं काफ़ी उत्साही हूँ कि भारत स्वयं को उन सब बेड़ियों से मुक्त कर ले। नेहरू जी क्या चाहते हैं, नेहरू जी चाहते हैं कि मैं बहुत उत्सुक हूँ। वो क्या कह रहे हैं यहाँ पे सबसे पहली लाइन देखिए, यहाँ पे लिखा है एंड दो और यद्यपि, यहाँ पे नेहरू जी कह रहे हैं यद्यपि मैंने काफ़ी प्राचीन परंपराओं और रीति रिवाजों के अधिकांश भाग को छोड़ दिया है और मैं उत्सुक हूँ कि भारत स्वयं को उन सब बेड़ियों से क्या कर ले मुक्त कर ले जो उसे बांधती है और बाध्य करती है। क्या कह रहे हैं जो उसे बांधती है और बाध्य करती है और उनके लोगों को विभाजित करती है, यानी भारत के लोगों को विभाजित करती है। देखिए यहाँ पे लिखा है ना डिवाइड हर पीपल, यानी जो भारत के लोगों को क्या करती है विभाजित करती है, यही यहाँ पे नेहरू जी कह रहे हैं। फिर उसके बाद आगे कह रहे हैं और उनमें असंख्य का दमन करती है। क्या करती है आगे यहाँ पे नेहरू जी क्या कह रहे हैं, आगे यहाँ पे नेहरू जी कह रहे हैं कि उनमें असंख्य का दमन करती है और आत्मा तथा शरीर के स्वतंत्र विकास को रोकती है। क्या करती है आत्मा और शरीर के
आत्मा और शरीर के विकास को क्या करती है, आत्मा और शरीर के स्वतंत्र विकास को रोकती है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे लास्ट में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ये देखिए यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी एंड द स्पिरिट। तो लास्ट में यही यहाँ पे कह रहे हैं नेहरू जी क्या कह रहे हैं, और आत्मा तथा शरीर के स्वतंत्र विकास को रोकती है। तो देखिए फिर से मैं आपको बता देता हूँ एंड से लेकर स्पिरिट तक। तो देखिए यहाँ पे नेहरू जी कह रहे हैं, यद्यपि मैंने काफी प्राचीन परंपराओं और रीति रिवाजों के अधिकांश भागों को छोड़ दिया है, और मैं उत्सुक हूं कि भारत स्वयं को उन सब बेड़ियों से मुक्त कर ले, उन सब बेड़ियों से क्या हो जाए, भारत मुक्त हो जाए जो उसे बांधती है और बाध्य करती है, और उनके लोगों को विभाजित करती है, यानी भारत के लोगों को विभाजित करती है और उनमें असंख्य का दमन करती है। देखिए लिखा है ना, एंड सप्रेस वास्ट नंबर ऑफ देम एंड प्रिवेंट। तो यही यहाँ पे कह रहे हैं नेहरू जी क्या कह रहे हैं, और उनके लोगों को विभाजित करती है, यानी भारत के लोगों को विभाजित करती है और उनमें असंख्य का दमन करती है और आत्मा तथा शरीर के स्वतंत्र विकास को रोकती है। ठीक है, ये यहाँ पे इस लाइन का कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन हो जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं दो से लेकर के, यहाँ देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, दो आई सीक। अब यहाँ पे SEEK लिखा है, सीक सीक मीन्स क्या होता है, खोजना होता है, क्या होता है, खोजना होता है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे लिखा है दो आई सीक ऑल दिस येट आई डू नॉट विश टू कट माई सेल्फ ऑफ फ्रॉम That past completely। तो चलिए पहले हम इस लाइन का कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन देख लेते हैं, दो से लेकर कंप्लीटली तक। यहाँ पे लिखा है दो आई सीक ऑल दिस येट आई डू नॉट विश टू कट माई सेल्फ ऑफ फ्रॉम द पास्ट कंप्लीटली। तो इसकी कंप्लीट हिंदी, इसका कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, चलिए सबसे पहले मैं आपको इस लाइन का कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन बता देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे नेहरू जी कह रहे हैं कि यद्यपि मैं यह सब चाहता हूँ, क्या कह रहे हैं यहाँ पे, कह रहे हैं नेहरू जी, यद्यपि मैं यह सब चाहता हूँ फिर भी मैं स्वयं को संपूर्ण रूप से उस अतीत से अलग नहीं करना चाहता। नेहरू जी ने अभी ऊपर जो अपनी इच्छा प्रकट की थी अभी मैंने आपको बताया ना, तो वही नेहरू जी कह रहे हैं यद्यपि यह सब मैं चाहता हूँ लेकिन फिर भी मैं स्वयं को संपूर्ण रूप से उस अतीत से अलग नहीं करना चाहता, यानी जो अतीत की बातें हैं उनसे मैं अलग नहीं होना चाहता, यही यहाँ पे नेहरू जी कह रहे हैं। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे लिखा है आगे आई से, देखिए यहाँ पे लिखा है आई, यहाँ पे क्या लिखा है, आई एम प्राउड ऑफ दैट ग्रेट इनहेरिटेंस। अब यहाँ पे इनहेरिटेंस लिखा हुआ है, इनहेरिटेंस की हिंदी मीनिंग क्या होती है, विरासत, क्या होती है, विरासत होती है, ध्यान रखिएगा। तो इनहेरिटेंस मीन्स क्या हो जाएगा, विरासत हो जाएगा। तो देखिए आई से हमने यहाँ पे स्टार्ट किया, आई एम प्राउड ऑफ दैट ग्रेट इनहेरिटेंस दैट हैज बीन एंड इज आवर्स एंड आई कॉन्शियस, यहाँ पे क्या लिखा है, क्या लिखा है, कॉन्शियस लिखा हुआ है यहाँ पे, CONSCIOUS, इसको हम क्या पढ़ते हैं, कॉन्शियस पढ़ते हैं। तो कॉन्शियस की हिंदी मीनिंग क्या होती है, कॉन्शियस मीन्स होता है सचेत, क्या होता है, कॉन्शियस मीन्स होता है सचेत। तो देखिए स्टूडेंट्स इसको क्या पढ़ते हैं, कॉन्शियस पढ़ते हैं, इसको कॉन्शियस नहीं पढ़ा जाता है, इसको कॉन्शियस पढ़ा जाता है, क्या पढ़ा जाता है, अभी मैंने आपको शुरू में बताया क्या पढ़ते हैं, कॉन्शियस पढ़ते हैं, कॉन्शियस इसको नहीं पढ़ते हैं, इसको हम क्या पढ़ते हैं, कॉन्शियस पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, कॉन्शियस पढ़ते हैं, ध्यान रखिएगा। तो कॉन्शियस मीन्स क्या होता है, सचेत होता है, इसकी हिंदी मीनिंग हो जाएगी कॉन्शियस की। तो कॉन्शियस दैट आई टू, क्या लिखा है, आई टू लाइक ऑल ऑफ अस एम अ लिंक इन अ अनब्रोकन चेन विच गोज बैक टू द डाउन ऑफ हिस्ट्री इन द, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो हिस्ट्री इन द इमेमोरियल, क्या लिखा हुआ है, इमेमोरियल लिखा हुआ है, इसकी हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगी, इसकी हिंदी मीनिंग भी आपको पता होनी जरूरी है। तो इसकी हिंदी मीनिंग हो जाएगी इमेमोरियल, मीन्स आपका क्या हो जाएगा, पुरातन,
क्या हो जाएगा, पुरातन हो जाएगा, यही इसकी हिंदी मीनिंग होगी जो यहाँ पे इमेमोरियल लिखा हुआ है, पास्ट ऑफ इंडिया। तो यहाँ से हम देखेंगे आई से लेकर के पास्ट ऑफ इंडिया तक, यहाँ तक इसका हम कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन देखेंगे। तो देखिए आगे नेहरू जी यहाँ पे कह रहे हैं, देखिए यहाँ पे आई लिखा है तो यहाँ पे हो जाएगा नेहरू जी कह रहे हैं मुझे उस महान विरासत, ठीक है, क्या कह रहे हैं यहाँ पे नेहरू जी कह रहे हैं मुझे उस महान विरासत पर जो हमारी रही है और हमारी है, गर्व है मुझे उस पर, और मुझे बोध है कि मैं भी सबकी तरह उस अटूट कड़ी का एक अंग हूँ। क्या कह रहे हैं, मैं भी सब लोगों की तरह उस विरासत का अटूट अंग हूँ, यही यहाँ पे नेहरू जी क्या कह रहे हैं, नेहरू जी कह रहे हैं मैं भी उस विरासत का अटूट अंग हूँ जो भारत के प्रति प्राचीन अतीत के इतिहास से जुड़ी हुई है। यहाँ पे लिखा है ना इन मेमोरियल पास्ट ऑफ इंडिया, यही यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यही नेहरू जी यहाँ पे कह रहे हैं। तो एक बार फिर से मैं बता देता हूँ आई से लेकर के इंडिया तक, तो देखिए यहाँ पे नेहरू जी क्या कह रहे हैं, नेहरू जी कह रहे हैं मुझे उस महान विरासत पर जो हमारी रही है, हमारी है, गर्व है मुझे, और मुझे बोध है कि मैं भी सबकी तरह उस अटूट कड़ी का एक अंग हूँ जो भारत के प्राचीन अतीत के इतिहास से जुड़ी है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ठीक है, यही यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे आगे क्या लिखा है, आगे यहाँ पे लिखा है दैट चेन आई वुड नॉट ब्रेक, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, लिखा हुआ है यहाँ पे आपका लिखा है दैट चेन आई वुड नॉट ब्रेक फॉर आई ट्रेजर इट एंड सीक इंस्पिरेशन। अब देखिए यहाँ पे इंस्पिरेशन लिखा हुआ है, तो इंस्पिरेशन की हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगी, इंस्पिरेशन की हिंदी मीनिंग होती है प्रेरणा स्रोत, क्या होती है प्रेरणा स्रोत, ये इसकी हिंदी मीनिंग होती है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो हम यहाँ से पढ़ रहे हैं दैट चेन आई वुड नॉट ब्रेक फॉर आई ट्रेजर इट एंड सीक इंस्पिरेशन फ्रॉम इट, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। तो चलिए इसका हम कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन देखते हैं दैट से लेके फ्रॉम इट तक। तो देखिए यहाँ पे नेहरू जी क्या कह रहे हैं कि मैं उस कड़ी को नहीं तोड़ूंगा, दैट चेन आई वुड नॉट ब्रेक, यहाँ पे नेहरू जी कह रहे हैं कि मैं उस कड़ी को नहीं तोड़ूंगा क्योंकि मैं इसे बहुमूल्य समझता हूँ और इससे प्रेरणा ग्रहण करता हूँ। कह रहे हैं ना फॉर आई ट्रेजर इट एंड सीक इंस्पिरेशन फ्रॉम इट, तो यहाँ पे नेहरू जी क्या कह रहे हैं कि मैं उस कड़ी को नहीं तोड़ूंगा क्योंकि मैं इसे बहुमूल्य समझता हूँ और इससे प्रेरणा ग्रहण करता हूँ, इससे मुझे प्रेरणा मिलती है, तो यही यहाँ पे नेहरू जी कह रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है एंड, यहाँ पे लिखा है एंड एज विटनेस, ठीक है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे एंड एज विटनेस। तो देखिए विटनेस मीन्स क्या होता है, साक्षी, क्या होता है साक्षी होता है, यही इसकी हिंदी मीनिंग हो जाएगी। तो एंड एज विटनेस ऑफ दिस डिजायर, डिजायर मीन्स इच्छा होता है, ऑफ माइंड, क्या लिखा हुआ है डिजायर ऑफ माइंड, फिर उसके बाद आगे लिखा है एंड एज माई लास्ट होमेज, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, लिखा हुआ है होमेज, क्या लिखा है एच ओ एम ए जी ई, होमेज टू इंडियाज कल्चरल इनहेरिटेंस। तो देखिए इनहेरिटेंस मीन्स क्या होता है, अभी मैंने आपको ऊपर ही बताया था, तो इनहेरिटेंस की हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगी, इनहेरिटेंस मीन्स विरासत होता है आपका, क्या होता है इनहेरिटेंस मीन्स क्या होता है, ये देखिए यहाँ पे लिखा है ना इनहेरिटेंस मीन्स आपका विरासत होता है, ध्यान रखिएगा इम्पोर्टेंट है। और फिर इसके बाद यहाँ पे आपका क्या लिखा हुआ है होमेज, होमेज मीन्स क्या होता है, होमेज मीन्स होता है श्रद्धांजलि, क्या होता है श्रद्धांजलि होता है, ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद आई एम मेकिंग दिस रिक्वेस्ट दैट हैंडफुल, हैंडफुल मीन्स मुट्ठी भर, कल मैंने आपको बताया हुआ है, ऑफ माई एशेस, एशेस मीन्स होता है राख या अस्थियाँ, बी थ्रोन इन टू द गंगा एट अलाहाबाद टू बी कैरीड टू ग्रेट ओशियन, क्या लिखा है ग्रेट ओशियन
दैट वॉशेज इंडियाज शोर्स, ये आपका यहाँ पे लिखा हुआ है। तो देखिए शोर्स यहाँ पे लिखा है, एस एच ओ आर ई एस मीन्स क्या होता है, सागर तट, क्या होता है, सागर तट होता है, ध्यान रखिएगा, यही इसकी हिंदी मीनिंग हो जाएगी। ठीक है, तो हमें यहाँ पे कहाँ से देखना है, हमें यहाँ पे देखना है यहाँ से, देखिए अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि दैट चेन आई वुड नॉट ब्रेक फॉर द ट्रेजर इट एंड सीक इंस्पिरेशन फ्रॉम इट, यहाँ तक मैंने पहले ही बता दिया, एंड से देखना है हमें, एंड से ले करके सोर्स तक, यहाँ तक हमें यहाँ पे कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन देखना है। तो देखिए एंड मतलब क्या हो जाएगा, एंड मतलब होता है और, तो देखिए यहाँ पे नेहरू जी क्या कह रहे हैं, आगे कह रहे हैं, और अपनी इस इच्छा और भारत के सांस्कृतिक विरासत के प्रति मेरी अंतिम श्रद्धांजलि के साक्षी के रूप में, ठीक है, क्या कह रहे हैं नेहरू जी यहाँ पे कह रहे हैं, और अपनी इस इच्छा और भारत के सांस्कृतिक विरासत के प्रति मेरी अंतिम श्रद्धांजलि के साक्षी के रूप में मैं यह प्रार्थना कर रहा हूँ कि मेरी मुट्ठी भर अस्थियाँ इलाहाबाद की गंगा में प्रवाहित कर दिया जाए, जो उस विशाल सागर में चली जाए जो भारत के समुद्री तटों को धोता है। यही यहाँ पे इस लाइन की कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन यहाँ पे इस लाइन का हो जाएगा, एंड से लेकर शोर्स तक। ठीक है, एक बार फिर से बता देता हूँ, यहाँ पे नेहरू जी कह रहे हैं, और अपनी इस इच्छा और भारत के सांस्कृतिक विरासत के प्रति मेरी अंतिम श्रद्धांजलि के साक्षी के रूप में मैं यह प्रार्थना कर रहा हूँ कि मेरी मुट्ठी भर अस्थियाँ इलाहाबाद की गंगा में प्रवाहित कर दिया जाए, जो उनकी मुट्ठी भर, यहाँ पे कह रहे हैं जो मुट्ठी भर अस्थियाँ हैं यानी राख हैं इलाहाबाद की गंगा में, उसे क्या कर दिया जाए, प्रवाहित कर दिया जाए, जो उस विशाल सागर में चली जाए जो भारत के समुद्री तटों को धोता है। अब चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, द मेजर पोर्शन, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे लिखा हुआ है, द मेजर पोर्शन ऑफ माई एशेज शुड हाउ एवर बी डिस्पोज्ड, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे लिखा हुआ है आपका डिस्पोज्ड। तो देखिए द मेजर पोर्शन ऑफ माई एशेज शुड हाउ एवर बी डिस्पोज्ड ऑफ अदरवाइज, तो चलिए इस लाइन का कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन देखते हैं, द मेजर से लेकर के अदरवाइज तक हम यहाँ तक पहले कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन इसका देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे नेहरू जी क्या कह रहे हैं, नेहरू जी कह रहे हैं मेरी अस्थियों के अधिकांश भाग को, यहाँ पे लिखा है ना द मेजर पोर्शन ऑफ माई एशेज शुड, तो यहाँ पे नेहरू जी क्या कह रहे हैं, मेरी अस्थियों के अधिकांश भाग को अन्य प्रकार से विसर्जित किया जाए, क्या कह रहे हैं, अन्य प्रकार से विसर्जित किया जाए। अब चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है आई वॉन्ट दीज टू बी कैरीड हाई अप इंटू द एयर इन एन एरोप्लेन एंड स्कैटर्ड, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे स्कैटर्ड लिखा हुआ है, स्कैटर्ड मीन्स क्या होता है, तो देखिए स्कैटर्ड मीन्स आप ये बोल सकते हैं बिखेरना, क्या बोल सकते हैं बिखेरना, तो स्कैटर्ड की हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगी, बिखेरना, या फिर आप इसे छितराना भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो स्कैटर्ड यहाँ पे लिखा है फ्रॉम द हाइट ओवर द फील्ड्स वेयर द पीजेंट्स, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे पीजेंट्स लिखा हुआ है, पीजेंट्स की हिंदी मीनिंग कृषक होती है, क्या होती है, कृषक, इसको लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट मीनिंग है, पीजेंट्स मीन्स क्या होता है, कृषक, ऑफ इंडिया टॉयल, टी ओ आई एल लिखा है, टॉयल, टॉयल की हिंदी मीनिंग क्या होगी, टॉयल की हिंदी मीनिंग होगी परिश्रम करना, क्या, परिश्रम करना, ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पे टॉयल की हिंदी मीनिंग यही हो जाएगी टॉयल, सो दैट दे माइट मिंगल, एम आई एन जी एल ई, मिंगल मीन्स क्या होता है, घुल मिल जाना, क्या होता है, घुल मिल जाना, क्या होता है, घुल मिल जाना होता है, ध्यान रखिएगा, विद द डस्ट, डस्ट मतलब धूल, एंड सॉइल, सॉइल मतलब मिट्टी होता है, ऑफ इंडिया एंड बिकम, एंड फिर यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, आई एन डी आई एस टी आई एन जी यू आई एस एच ए बी एल ई, इसको हम क्या पढ़ेंगे,
इसको हम पढ़ेंगे इनडिस्टिंग्विशेबल। क्या पढ़ेंगे? इनडिस्टिंग्विशेबल। ध्यान से पढ़िए इसको, देखिए थोड़ा बड़ा वर्ड है, आपको प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन इसको हम क्या पढ़ेंगे? इसको हम पढ़ेंगे इनडिस्टिंग्विशेबल। इसकी हिंदी मीनिंग क्या होती है? अभिन्न। क्या होती है? अभिन्न होती है, ध्यान रखिएगा। तो इनडिस्टिंग्विशेबल मीन्स होता है अभिन्न, पार्ट ऑफ इंडिया, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। तो चलिए हम यहाँ पे कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन देख लेते हैं, यहाँ से आई वॉन्ट से लेकर के इंडिया तक, ठीक है। क्या देखेंगे? आई वॉन्ट से लेकर इंडिया तक हम यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे नेहरू जी क्या कह रहे हैं? आई वॉन्ट, तो आई मतलब मैं, वॉन्ट मतलब क्या होता है? चाहता हूँ। तो यहाँ पे नेहरू जी क्या कह रहे हैं? नेहरू जी कह रहे हैं कि मैं चाहता हूँ इन्हें वायुयान में रख कर आकाश में ऊंचा ले जाया जाए और उस ऊंचाई से उन्हें हमारे खेतों में बिखेर दिया जाए जहां भारत के किसान कठिन परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं। यही यहां पे कह रहे हैं, परिश्रम करते हैं, ताकि वह भारत की मिट्टी में मिल जाए और भारत का एक अभिन्न अंग बन जाए। तो यहाँ पे नेहरू जी क्या कह रहे हैं? मैं चाहता हूँ कि इन्हें, इन्हें मतलब किसे? उनकी अस्थियों को। किसकी अस्थियों को? पंडित नेहरू के अस्थियों को, यानी राख को। तो यही यहाँ पे नेहरू जी कह रहे हैं कि मैं चाहता हूँ कि मेरी अस्थियों को वायुयान में रखकर आकाश में ऊंचा ले जाया जाए और उस ऊंचाई से उन्हें हमारे खेतों में बिखेर दिया जाए जहाँ भारत के किसान कठिन परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, ताकि वह भारत की मिट्टी में मिल जाए और भारत का एक अभिन्न अंग बन जाए, पार्ट ऑफ इंडिया। यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे लिखा है इनडिस्टिंग्विशेबल पार्ट ऑफ इंडिया, यानी क्या हो जाए? नेहरू जी कह रहे ताकि वह भारत की मिट्टी में मिल जाए और भारत का एक अभिन्न अंग बन जाए। चलिए लास्ट लाइन देखते हैं इस चैप्टर की, यहाँ पे क्या लिखी है? आई हैव रिटन दिस विल। देखिए विल मीन्स क्या होता है? डब्ल्यू आई डबल एल, विल मतलब क्या हो जाएगा? विल मतलब हो जाएगा वसीयतनामा। विल की हिंदी मीनिंग यहाँ पे क्या ली जाएगी? वसीयतनामा, ध्यान रखिएगा, ये इसकी हिंदी मीनिंग हो जाएगी। तो आई हैव रिटन दिस विल एंड टेस्टामेंट यहाँ पे लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? टेस्टामेंट मीन्स क्या होता है? टेस्टामेंट मीन्स होता है इच्छा पत्र। क्या होता है? इच्छा पत्र होता है, ध्यान रखिएगा। तो टेस्टामेंट इन न्यू दिल्ली ऑन द 21st day ऑफ जून इन द ईयर ऑफ 1954, ये यहाँ पे लिखा है। चलिए इस लाइन का कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन देखते हैं, आई हैव से लेकर 54 तक। तो देखिए यहाँ पे नेहरू जी क्या कह रहे हैं? नेहरू जी कह रहे हैं कि मैंने यह वसीयतनामा और इच्छा पत्र नई दिल्ली में 21 जून, क्या कह रहे हैं? नई दिल्ली में 21 जून 1954 को लिखा। यही यहाँ पे लास्ट लाइन का हिंदी ट्रांसलेशन हो जाएगा। आई हैव रिटन दिस विल एंड द टेस्टामेंट इन न्यू दिल्ली ऑन द 21st day ऑफ जून इन द ईयर 1954। तो नेहरू जी लास्ट में यहाँ पे क्या कह रहे हैं? मैंने यह वसीयतनामा और इच्छा पत्र नई दिल्ली में 21 जून 1954 को लिखा है, ये यहाँ पे नेहरू जी कह रहे हैं। और इसी के साथ ये चैप्टर, इस चैप्टर का आपका हिंदी ट्रांसलेशन हो जाता है कंप्लीट, यानी जो 5th paragraph था ये भी आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपका जो इस चैप्टर का हिंदी ट्रांसलेशन था इसको कम्प्लीटली फिनिश करवा दिया है, ठीक है। तो अब हम जब अगला टर्न आएगा, इंग्लिश की अगली क्लास होगी, तो अगले टर्न में मैं आप लोगों को इस चैप्टर के पैसेज करवाऊंगा। क्या करवाऊंगा? पैसेज करवाऊंगा। जब पैसेज कंप्लीट हो जाएगा तब शॉर्ट आंसर, जब शॉर्ट आंसर कंप्लीट होगा तब मैं आपको लॉन्ग आंसर करवाऊंगा, फिर ये आपका चैप्टर हो जाएगा फिनिश। और ग्रामर की क्लास भी आप लोगों की स्टार्ट हो चुकी है, एक चैप्टर आपको पहले पढ़ा दिया गया है।
देखिए मैं जल्द ही आप लोगों के लिए एक नया टाइम टेबल अपलोड कर दूंगा जहां पे आपकी सभी सब्जेक्ट्स की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। और मैं आप लोगों को बता दूं कि कल आप लोगों की मैथ की क्लास होगी एंड आप लोगों की हिंदी की क्लास भी कल होगी। हिंदी गद्य का लास्ट चैप्टर आप लोगों का चल रहा है, तो कल आपका लास्ट चैप्टर जो है हिंदी गद्य का वो भी आपको कंप्लीट करवा दिया जाएगा, फिर हिंदी गद्य का सिलेबस ही कंप्लीट हो जाएगा। और आज दोपहर में 12 बजे आप लोगों की बायोलॉजी की क्लास होगी, उसको मिस मत कीजिएगा, मैम आपको बायोलॉजी पढ़ाएंगी। तो अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। देखिए अभी भी ये चैप्टर आपका कंप्लीटली फिनिश नहीं हुआ है, हिंदी ट्रांसलेशन तो कंप्लीट हो गया लेकिन अभी पैसेज और क्वेश्चन आंसर बचे हैं जो कि मैं आपको नेक्स्ट टर्न पे करवाऊंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।